हेलो फ्रेंड्स, ट्रैकीकार्पस एक ऐसा पाम प्लांट है जो कि दूसरे पाम प्लांट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें ऐसी खूबियां हैं जो बहुत से पाम प्लांट्स में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, इसके ग्रीन लीव्स सारा साल ग्रीन रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये दूसरे पाम प्लांट्स की तरह ड्राई नहीं होते, येलो नहीं होते। आए फ्रेंड्स, इसकी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्लांट्स लवर। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत पाम प्लांट लाए हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। इस पाम प्लांट को नर्सरीज में और आम तौर पे हैप्पी कोला भी कहते हैं, चाइनीज़ विंड मिल पाम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चाइना एंड जापान का नेटिव है, वहाँ से आया हुआ ये प्लांट है। एवरग्रीन रहता है, इसके फ्रंट्स जो हैं वो चाइना के फैन पाम से मिलते हैं, लेकिन सिंगल स्टेम्ड होता है। और फ्रेंड्स, इसकी खूबी ये है कि ये पतले से तने से, स्लिम एंड स्मार्ट तने को लेकर हज़ारों फीट तक हाइट को गेन कर लेता है। इसके तने पर कोकोनट क्वायर की तरह फाइबर होता है जो कि कुदरत ने इसके साथ जोड़ा है, ताकि बहुत ही ठंड को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। तो जैसे हम सर्दियों में जो है स्वेटर और जर्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसके गिर्द एक कुदरत ने एक जर्सी पहनाई हुई है। तो इसलिए ये ठंडे इलाके का प्लांट है, सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है। अगर हम इसे गर्म इलाके में लगाना चाहते हैं तो हमें इसे छांव में लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि स्लिम स्मार्ट तने के साथ टॉलेस्ट पाम आप ग्रो करना चाहते हैं, तो अपनी खूबसूरती में एक मुनफरिद प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ले सकते हैं, हसन नर्सरी में ये अवेलेबल है। हसन भाई से इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। हसन भाई ने फॉक्सटेल पाम्स को बहुत अच्छी तरह अपने फार्म हाउस पे ग्रो किया है, बहुत ही महारत रखते हैं पाम प्लांट्स पे। तो आए, हमने इनसे टाइम लिया है, इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और बहुत स्लो ग्रो होता है ये, कोकोनट की तरह जो है इसमें हेयर्स हैं। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, ये जो पाम प्लांट्स होते हैं उनके ये जो पत्ते होते हैं या इनके जो छड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं फ्रंट्स। और हसन भाई, इसकी केयर किस जगह लगाना चाहिए? इसकी केयर ये है कि ओपन फुल धूप में लगा लेंगे, अभी तो चल जाएगा, लेकिन जून जुलाई में तंग करेगा ये। ठीक है, अगर कोई सात दरख्त लगे हों उनके नीचे लगाया जाए तो फिर ये आराम से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और वरना ये बहुत ही नाजुक प्लांट्स है, नाजुक जैसे कापर नेशिया हो गया, फॉक्सटेल पाम हो गया, वो आसानी से चल जाते हैं, ये बहुत मुश्किल दरख्त। ठीक है, थोड़ा ठंडी जगह पसंद करते हैं, ठंडी जगह, धूप छांव वाला माहौल हो, और जो इसके नीचे सॉइल है सैंडी सॉइल हो। जी जी। और इसके लिए खाद कौन सी देनी चाहिए? खाद एनपीके भी डाल सकते हैं, डीएपी, दोनों अच्छी खाद हैं ये। और ये किस मौसम में देनी चाहिए? ये तो हर 15 दिन बाद दे दें, कोई मसला, उससे ताकत मिलती है। ठीक है, और गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाद का? गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, गर्मियों में नहीं है इसका खाद का इस्तेमाल। जी जी, थोड़ी जो है छांव में करें, छांव में फुल धूप में, गर्मी में तंग करेगा। और अब ये इस मौसम में लगाए जा सकते हैं? इस मौसम में? जी जी, इस मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लगाए जहाँ जून जुलाई में धूप कम हो जरा, वरना जून जुलाई में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है हसन भाई, आपको तकलीफ दी नहीं इस मुफीद मालूमात के लिए, बहुत ही खूबसूरत, मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। जी जी। तो ये फ्रेंड्स ये देख रही हैं कि ये इसका स्टेम और कितनी खूबसूरती ये दिखा रहा है, बिल्कुल एक नेचुरल लुक आएगी, जिस तरह के आप बीचेस पे देखते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये पाम प्लांट्स हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहें तो ये हसन नर्सरी में ये अवेलेबल है। ताकि ये चाइना के ये बैग्स हैं, इनके अंदर ये लग के आए हैं, बस आपने जो है सॉइल के अंदर इसी तरह लगाना है, नीचे से जो है इस बैग को थोड़ा सा कट करना है, ऊपर से थोड़ा कट करना है, ये बहुत आसानी से ग्रो करता है अगर इसे जो है सही तरीके से लगाया जाए। इसके नीचे आपको सही जो है एक मट्टी और जो है इसके अंदर पेशियों में लगा सकते हैं, उधर बेहतरीन चलेगा, अगर किसी की पेशियों में जगह हो साइड वहाँ बहुत अच्छा चले। इसे पेशियों में लगा सकते हैं, अगर किसी की पेशियों में जगह हो तो वो खूबसूरती ये अलहदा से दिखाएगा। अभी इसके फ्रंट्स इस तरह से पैक किए हुए हैं, क्योंकि जब ये आती हैं तो इन्हें इस तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि इनके फ्रंट्स ना टूटें,
और अब इसे ये कुछ दिन के बाद खोल देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो ये बिल्कुल अपनी खूबसूरती एक जो है गुलाई में दिखाएगा। और इसकी ये देख रही हैं ये फ्रंट्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे चाइना पाम होते हैं, तो चाइना पाम और कॉपरनेशिया के इसी तरह खिलते हैं, लेकिन कॉपरनेशिया इसके फ्रंट्स में ये डिफरेंस है कि ये डार्क ग्रीन कलर में है और वो थोड़ा सा ब्लू शेड देते हैं। और ये जो है इसका जो ये नीचे स्टेम है ये थोड़ा हेरी किस्म का होता है, जैसे कि हसन भाई ने बताया कि ओल्ड मैन, और इस तरह से जो एक लुक आती है कि ब्राउन कलर के हेयर रखने वाले जो हमारा जो है ना ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उस तरह की ये लुक है। ये अगर ये देखें तो ये देखेंगे इसका ये स्टेम। तो चलें हसन भाई से अब इजाज़त चाहते हैं, सुबह सुबह उन्हें तकलीफ़ दी है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो सुनाए नर्सरी में विंटर फ्लावर्स की पनीरियाँ वगैरह आ रही हैं? जी जी, पनीरियाँ तो ख़त्म ही हो गई, ख़त्म हो गई हैं अब, और इस्लामाबाद से लाए हैं। चलिए, अब आपके पास कौन से पेंजी और पेटूनिया आए हैं? अब हर चीज़ आ गई। चलिए, हर चीज़ आ गई है जी। तो ये हसन नर्सरी में इस टाइम अवेलेबल हैं पनीरियाँ, अगर आप लोग लेना चाहें बहुत ही मुनासिब प्राइजेस पे आप आके ले सकते हैं, हसन भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये इनका नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इनसे इजाज़त चाहते हैं। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming.